नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मुंबई की सीरीज़ ख़त्म हो गई है, अभी घर वापस आ चुके हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने मंगवाया है आज वैसे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले जो गोप्रो का माइक अडैप्टर है वो मैंने मंगवा दिया है। ये देख लो आप, ये पेड़ ना ये वाला टेढ़ा हो गया है, और नीचे गन देख लो पहले। तो मैं क्या बता रहा था कि जो माइक गोप्रो का माइक अडैप्टर वो आ चुका है, मेरे कॉल आ गया भैया का, जिन्होंने डिलीवरी देनी है तो आज वो आ जाएगा। क्योंकि अभी राइड का प्लान बन रहा है, तो अगर राइड पे जो ऑडियो है वो क्लियर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, सही बात है ना? तो इसलिए मैंने वो मंगवा लिया। पहले तो मिल ही नहीं रहा था ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर कहीं नहीं मिल रहा। फिर मैंने एक ऑनलाइन साइट है वहाँ से मंगवाया, अनबॉक्स करेंगे देखेंगे रियल में, अभी पता नहीं कैसा निकलेगा। तो उसके बाद वो मेरे को मैं बताऊँगा उसका क्या प्राइस वगैरह, जब मैं अनबॉक्स करूँगा तब बताऊँगा। और अभी जाना है पहले, सबसे पहले अपने एक अंकल के पास, उनको देना है पापा का सामान, तो पहले वहाँ जाएंगे। फिर एक दोस्त के पास जाना है, उसको उसके पास बाइक है, उसकी टेस्ट राइड करेंगे। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। ओके तो वीडियो की स्टार्ट अभी। ओके तो अभी हम जा रहे हैं पापा के कोर्समेट के पास। तो अभी आप बताना कि आवाज़ कैसे आती है इस पे। तो चलो निकलते हैं। अभी हम निकल रहे हैं घर से, और धूप काफ़ी तेज़ है, और टाइम हो रहा है अभी 11:40। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और बाकी अभी पता नहीं ऑडियो कैसी आ रही होगी, आप बताना। और मुझे यहाँ तक लग रहा है, मैंने चेक किया था वैसे तो आवाज़ तो ठीक, मतलब कनेक्ट तो हो गया था। अभी किस हिसाब से आवाज़ आ रही है, विंडशील्ड मैंने थोड़ी सी खोली हुई है अपनी, ताकि अगर मैं आगे फर्दर राइड से जाऊंगा तो, क्योंकि कहीं कहीं खोल नहीं पड़ सकते हैं। और वैसे भी जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह में स्मॉग होती है, फॉग होती है, तो वहाँ पे खोलनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो ऐसे अंदर ना दिखता नहीं है कुछ भी। तो उस हिसाब से भी चेक कर लूँगा। तो चलो बाकी यार कैमरे का ना जो व्यू है ना, कैमरा एंगल वो भी थोड़ा चेक करना। और बाकी ये देखो, ये हमारे पास जो पुलिस स्टेशन है, राजा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे कुछ चल रहा है आज। पुलिस वाले काफ़ी कुछ हेल्प वगैरह करते रहते हैं, तो ये उन्हीं का कोई होता रहता है। मैं देख रहा हूँ आजकल जो पुलिस है ना हमारे यहाँ की, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी मतलब आजकल क्या, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, और बड़ा इनिशिएटिव ले रही है पब्लिक के साथ, यू नो, कनेक्ट करने के लिए, लोगों का जो ट्रस्ट इतने सालों से जो पुलिस पे नहीं कर पाती, तो उसको गेन करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे ना काफ़ी जगह पे आर्मी की एरिया, आर्मी कैंट, आर्मी गाड़ी, कॉन्वॉय चलती रहती है, तो वो तो मैं ऑब्वियसली बात शूट नहीं करूँगा, क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है। अलाउड क्या मतलब, वो खुद भी सही नहीं लगता। और बाकी और नज़ारे पूरे दिखाऊंगा, टेंशन मान लो। तेरे इश्क के गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, कि जो यहाँ पे ना बीच में टारकोल पड़ा हुआ ना, ये ब्लैक वाला एस्फॉल्ट, ये पिघल गया हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी यार। लेकिन चलो क्या करना,
और मेरे जितने दोस्त हैं, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था ना, तब मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर वाले एक जैसा ही है, तो बोलते थे अच्छा जम्मू में तो सही होगा मौसम, जम्मू में तो बर्फ़ पड़ती होगी। देख लो भाई ये यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। तो यही चीज़ है कि जम्मू और कश्मीर में ना, वैसे तो जम्मू ही हमारे यहाँ से कोई नियर अबाउट 80 किलोमीटर है। तो ये देखो ये है, बहुत सारे ऐसे दरिया मिलेंगे। और ये साइड ऑन द राइट पाकिस्तान, लेफ्ट ये हिमाचल। और बाकी राइड्स पे तो जाने का मज़ा आएगा, अभी देखते हैं आज आवाज़ कैसी आती है कैसी नहीं, उस हिसाब से करेंगे थोड़ी बहुत मोटिवेशन। और वैसे यार जल्दबाजी में आ रहा था, काफ़ी लेट हो गया था। अपने अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो यहाँ से मैंने ली थी पापा की दवाई यहाँ से राइट साइड पे। तो मैं एक ही चीज़ बोलना था, ये देखो कैसे क्रॉस कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहता यार कि आज के टाइम पे ना हेल्थ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब पहले भी इंपॉर्टेंट थी लेकिन आज हमें को ना उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरी एज के हैं, मेरे क्लासमेट्स या मेरे मतलब फ्रेंड जिनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है ना, मतलब बुजुर्ग लोग हैं जो अडल्ट हैं उनको भी वैसी नहीं है। तो ऐसा मेरे को भी होती है, मतलब हम भी ज़्यादा देर मतलब कुछ काम मैं कर ही नहीं सकता, मतलब इन देंस कि हम ज़्यादा वेट उठा नहीं सकते और कुछ भी करना तो क्या बोलते हैं, कभी रैशेस हो रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। और हमारी एज देखो बिल्कुल ऐसे, मतलब अभी अपने अपने ब्राइटेस्ट पीरियड में है लेकिन तब भी यार। तो लोगों को भी मतलब मैं बस यही बोलूँगा कि आपको भी थोड़ा ना अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उस पर थोड़ा सेंसिबली वर्क करना चाहिए। बाकी करो यार, इंजॉय भी करो, खाओ भी हो, लेकिन मेजॉरिटी अपना टाइम थोड़ा देख दाख के करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना आजकल, मतलब न्यूज़ में सुनता रहता हूँ 20-21 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज़ वेरी कॉमन, हर दूसरा तीसरा बंदा अपेंडिक्स ऑपरेशन करवा रहा है, मतलब ये सब चीज़ें हैं। और तो ऐसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू कि अपना जो हेल्दी डाइट है वो मेंटेन रखो, थोड़ा वर्कआउट करो 10-15 मिनट ही करो, लेकिन रोज़ थोड़ा वर्कआउट करो ही करो। मैं भी सुबह वर्कआउट करते करता हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया ना, मतलब मैं पहले से रेगुलर नहीं था, अभी मैं करने लगा हूँ सुबह वर्कआउट, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सुबह जब उठे ना, ऐसा लगता है कि यार दुनिया तो आधी दुनिया उठ गई है और हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वर्कआउट बड़ा ज़रूरी है, पूरा दिन फिट रहता है बंदा, ऐसे पूरा एक्टिव फील करता है, नहीं तो ऐसे ही है 10-10, 11-11 में उठना, ठीक है ना। जो लोग ऑफिस आते हैं 9 बजे जाते हैं, मतलब उनके लिए भी यही है कि सुबह 10 मिनट निकालो यार, ठीक है ना, 10 मिनट पहले उठ जाओ, 10 मिनट पहले सो जाओ, कोई काम मैनेज उस हिसाब से कर लो। फिर यहाँ देख लो ये है पल्ली मोड़, यहाँ इतना ख़राब हो गया ना रास्ता, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ओहो ऐसे चाचा, तो यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, अभी ये कुछ बना रहे हैं यहाँ पे फ्लाई ओवर टाइप, लेकिन उसकी वजह से ना पहले बड़ा स्टार्टिंग में इतना तेज़ काम किया ना कि बस ये तो मतलब टू मंथ्स बन जाएगा, पर अब ये साला 2 मंथ छोड़ गया, मेरे लगता है काफ़ी टाइम हो गया इसको, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा। शनिदेव यार, मेरे को लग रहा है जब से मुंबई से आया ना तब से मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, वहाँ पे इतनी आदत नहीं थी और यहाँ पे वैसे तो टेम्परेचर 38-39 होगा यहाँ पे भी, लेकिन पता नहीं। बस रह गया 2 किलोमीटर, उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये लो भाई हम पहुंच गए, अजय उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी ना, उसमें मैंने यहाँ पे एक दिन पहले मतलब एक
वही अंकल हैं जिनके पास फिर से आया। यहाँ पे मैंने गन्ने का जूस पिया था और यहाँ पे करना है वेट मुझे। यहाँ पे है शेड, यहाँ पे करना है वेट। तो ओके, तो अभी बाइक लगा दी पीछे और जो काम था वो हो गया और अभी हम आ गए अपने दोस्त के पास। और मैं आपको बता रहा था ना कि मैं बाइक पे राइड करूँगा, तो ये है, तो ये है बाइक राइड। ये बाइक है अरे, अपना भाई आ गया यहाँ पे। और अमन क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। और ये तो ये अपनी वीडियो चेक कर रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा हूँ दिखा किस हिसाब से GoPro पे वीडियो जो होती है शो होती है। कैसे लग रही वीडियो? बढ़िया ना भाई, इसमें पूरा 4K क्लैरिटी आती है, सही आती वीडियो। आईफोन ना सब माफ़ है इसके आगे। देखा मैंने ट्रैवलिंग के लिए हमें बड़े सही है ना वीडियो। हाँ ऐसे बहुत वीडियोज हैं इस पर ना, मैं दिखाता हूँ ये इस पर ड्राइव करना है, इस पर ड्राइव करना है, ये सब वीडियोज हैं जो मर्जी देख। क्या देख रहे हो? आ गया सर। क्या मारा? डीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यहाँ को वहाँ पढ़ा होगा? यहाँ पे, यहाँ पे तो मेरा मम्मा पापा स्कूल में पढ़ते थे, डीसी नहीं है, बिहार में उधर पढ़ते हैं। नहीं अभी सारा सिस्टम है ना मेरा, मेरे को चाहिए फिर सारा सिस्टम कुछ तो चाहिए। ड्रोन अभी तो मतलब अभी इतना ज़्यादा है, मगर चाहिए चाहिए ड्रोन तो ड्रोन तो अभी तो फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं लेने का, लेकिन जल्दी अगर चैनल ग्रो करता है, आप लोग प्यार देते हैं, तो हम पक्का लेंगे। फिर उसके पास ISSC ले गए यार, ठीक है ऐसे थोड़े एकदम ही ले लिए, फिर बस बैठ गए सेकेंड हैंड बेचती बैठी, ऐसा नहीं है। इसको सबसे प्यार से लगेगी। कितने गिलास पानी पिए तुमने? एक गिलास। सबसे दो दिन गिलास पी गए, गर्मी बहुत है, क्या करना बच्चे हैं। ओके गाइस, तो फाइनली वी हैव रीच आवर होम। और आज जो भी देखा हमने ब्लॉग में, मेरा बेसिकली आज का ब्लॉग डालने का मतलब ये था कि जो मैं ऑडियो है वो चेक कर पाऊँ। तो अगर आपको ऑडियो पसंद आई है, अगर नहीं आई जो भी था आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उस हिसाब से मैं चेंज कर लूँगा। वैसे तो मेरे को मैंने चेक की है ऑडियो, ठीक है, बीच में थोड़ी आवाज़ आ रही है, वो थोड़ी माइक की वजह से है। तो चलो बाकी राइड पे जाने के लिए भी हम तैयार हैं। अब बैटरी आई है बस, बाकी पूरा सामान हो गया हमारा, और अभी कभी हम जैसे ही हमारा प्लान बनता है उसके हम निकल देंगे।